निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझ में भी यही कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा बिना व्रत किए। जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ना चल सकेगा। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर मेरी श्रद्धा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्हार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व कुल एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गौदान करनी चाहिए। व्यास ज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का ये व्रत किया, जिसके परिणाम से प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर करी। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए।